कल्याण यादव, राम बाप। क्या? राम बाप, राम बाप, राम बाप। अच्छा तो यहाँ पे क्या आप काम करते हो? कहाँ के हो आप? योर विलेज। गाइस गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह होके फ्रेश फ्रेश हो चुका हूँ। तो ये अपनी साइकिल लगी है, ये अपना टेंट लगा था। तो चलो ये नाश्ता गर्म करें, नाश्ता करें। और 7:15 हो चुके हैं। ये देखो धान की खेती लगी हुई है वहाँ पे। वाओ, नाश्ता गर्म करें, नाश्ता करें और निकले फटाफट, क्योंकि सुबह ज़्यादा देर तक पंप में रुकना अच्छा नहीं होता। तो जी अपना ब्रेकफास्ट हो गया गरम, और देखो काफ़ी हैवी ब्रेकफास्ट है। लंच तक ज़रूरत नहीं पड़ेगी करने की, मुझे ऐसा लग रहा है। लंच के बाद भी शायद, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बन गया था कल रात का। चले जी करें ब्रेकफास्ट और मिले आपको निकलते हुए। जय हो जी। निकल पड़े हैं अपने राइड में, करते हैं जर्नी को शुरू, ले कर प्रभु का नाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज का सफ़र है 150 किलोमीटर। देखते हैं कितना चलते हैं। खाना वाना तो हो गया, अब लंच तक कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है 2-3 बजे तक। बस 5-7 किलोमीटर के बाद एक चाय का ब्रेक लेंगे। क्या है यार गाड़ी वाले भी, चाय का ब्रेक लेंगे और फिर देखते हैं कितना चल पाते हैं आज शाम तक। 150 किलोमीटर है विजयवाड़ा। चलो मिलते हैं आप। वो जी आ गया हूँ टी ब्रेक करने के लिए। 3-4 किलोमीटर चलाया होगा। काफ़ी लोग यहाँ रुके हुए हैं चाय नाश्ता करने के लिए। ये अपनी साइकिल लगी है भाई, बैठते हैं यहाँ पर कुर्सी खिसका के। बार और आ गया जी टी ब्रेक लेने के लिए, 11:30 हो चुके हैं। ये चाय और ये पकोड़े टाइप लिए 20 रुपये के 6 है, कि गर्म है ठंडे है वैसे। तो जी चाय बारी और वो खा के तो निकल गया था पकोड़ा टाइप। तकरीबन 1 घंटा हो गया और टाइम हो गया 1 से 2 घंटे हो गए, 1.5 हो रहे हैं। और भैया वही धान की खेती लगी हुई है, देख रहे हो मस्त। ये हाईवे है, अब लंच टाइम हो गया 1.5 हो रहे हैं। देखते हैं जहाँ लंच मिल जाए सस्ता और अच्छा तो करेंगे लंच। अभी एक फैमिली मिली थी, फ़ोटो वोटो लिया भाई उन लोगों ने मेरे साथ, और 100-150 रुपये हेल्प करके चले गए। बोला खाना खा लेना, उसी का भाई मैं खा लूँगा खाना, अच्छा लंच कर लूँगा। बाकी अच्छे यार, आंध्रा में और तेलंगाना में काफ़ी अच्छे लोग हैं, हेल्प करते हैं। तमिलनाडु में तो भाई बहुत बुरा हाल है, वहाँ बहुत कम लोग हेल्प करते हैं भाई। ठीक है, बाकी तो और 2-3 किलोमीटर के बाद बॉर्डर आने वाला है, तेलंगाना ख़त्म हो जाएगा और दोबारा मैं आंध्रा में जा रहा हूँ, आपको पता ही है, क्योंकि आंध्रा का सिर्फ तिरुपति ही गया था। तो विजयवाड़ा, वाइजैक, तो विशाखापट्टनम उसी को कहते हैं, वहाँ से होते हुए फिर मैं आंध्रा को बाय बाय कर दूँगा और अगले हफ्ते तक तो उड़ीसा में इंटर हो जाऊँगा अपनी 13वीं स्टेट में। तो ये जी बकरी पालन, भैया जा रहे हैं हम विजयवाड़ा भैया। हाँ यूट्यूब चैनल है शानू ब्लॉग्स, ठीक है, देखो देखो शानू ब्लॉग्स। तो भाई चैनल का नाम पूछा था, बता दिया, देखता हूँ बोल रहा, आप देखेगा जाके। ये है तेलंगाना का चेक पोस्ट ख़त्म और आंध्र प्रदेश शुरू। ये है भाई, हो गया जी शुरू आंध्र प्रदेश। वेलकम टू आंध्र प्रदेश, एक बार फिर से स्वागत है आपका आंध्र प्रदेश में 1 हफ्ते के लिए, उसके बाद तो फिर निकल जाऊंगा। ऐसा कुछ है जी, हैदराबाद में रहा 4-5 दिन, तेलंगाना में। चले जी आगे ढूंढे अब कोई ढाबा वाबा, भूख लगी बहुत तेज भाई जी। थोड़ा आगे आया हूँ यहाँ पे वॉशरूम करने के लिए, तो कुछ भाई लोग मिले। क्या नाम है? मधु। मधु कल्याण यादव, कल्याण यादव, राम बाप। क्या? राम बाप, राम बाप। अच्छा तो यहाँ पे क्या आप काम करते हो? कहाँ के हो आप?
योर विलेज लोकल है, रामापुर एक्सपोर्ट, सारे लोकल। ओके ओके, बढ़िया बढ़िया, ठीक है, बाय बाय। हाँ, टाइम हो गया 3, तो ये ढाबे में आ गया हूँ, पूछते खाना वाना क्या रेट है, तो खाए खाना। तो जी सब्जी में आ गई दाल, ये पता नहीं क्या है, और वो थोड़ी अच्छा आटा है, ये थोड़ी चटनी है, थोड़ी थोड़ी चटनी, थोड़ी सी बस बस बस, वो राइस है और चिकन कड़ी है 100 रुपये में। ये आ गया जी पापड़, ये आ गया राइस, दाल, चटनी, सब्जी और ये चिकन कड़ी है, करी, ये है। तो जी खाना पीना हो गया, चलें जी, अभी तक चला लिया मैंने कितना, तकरीबन 60-70 किलोमीटर चला लिया, और 3:30-4 बज रहे हैं, 20 किलोमीटर और चलाऊंगा, 90-95 किलोमीटर। चलें जी, शाम के हो चुके 5:30, तो यहाँ क्या है, स्मार्ट पॉइंट में कुछ लेने आया हूँ सामान, तो देखते हैं क्या मिलता है, साबुन वगैरह चाहिए, थोड़ा ग्रोसरी का सामान मुझे, तो ये है वो, चलते हैं लेने के लिए। तो ये देखो भाई साहब, मेरे को परफ्यूम चाहिए एक यार, ताकि अच्छा लगे ना यार, फ़ोटो वोटो खिंचाने आते लोग, तो थोड़ा सा भी स्वेटिंग का पसीना पसीना का स्मेल ना है, तो इसलिए वो लूँगा और साबुन लूँगा, और भी कुछ चाहिए वो बताता हूँ आपको। भाई ये मिला एक सनस्क्रीन, एक साबुन, एक कोलगेट, और तो कुछ मिला ही नहीं भाई। अपनी बिलिंग हो रही है इस चीज़ की, सनस्क्रीन की, उसकी। डिस्काउंट है ना इसमें, $194 बॉम्बे कैश, कैश मोबाइल नंबर नहीं है, इतने तो आओ मले, नंबर नहीं है, ऐसे करो बिना नंबर के, नंबर दूंगा, मैसेज आते रहेंगे। तो जी आज पूरा 105 किलोमीटर साइकिल चलाई, और 6:30-7 बजे रुकने की जगह मिली, तो चाय बना ली है, यहाँ पे तड़का लग रहा है मैगी के लिए, ये मैगी ले ली थी मैंने छोटी छोटी, तो आज बनाएंगे मैगी, क्योंकि 105 किलोमीटर चला के थक चुका हूँ, मैगी बनाते हैं फिर मिलते हैं। ओ जी बन गई अपनी मैगी, ऊपर से कच्चा प्याज, तो चाय विद 2 मैगी, मतलब 4 छोटी छोटी मैगी, 2 बड़ी मैगी का डिनर, वाह। ये यूपी की मैगी इसलिए इतनी टेस्टी नहीं है, अगर 2 मिनट मैगी होती बहुत टेस्टी होती, फिर भी मेरा जो रेसिपी है, तड़का लगाता हूँ पहले प्याज टमाटर का जैसे लगाते हैं, और फिर उसमें मैगी डालता हूँ, फिर पानी वानी डाल के बना लेता हूँ, डिनर ये है, ब्रेकफास्ट कर लेंगे, मिलते हैं जी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।